उत्तर प्रदेश येथे MIM पार्टीचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला. या हल्ल्याचा निषेध करीत आरोपींवर कारवाई करा या मागणीसाठी गायगाव पारस बाळापूर MIMच्या वतीने बाळापूरचे तहसीलदारांना निवेदन देऊन निषेध करण्यात आला. यावेळी MIMचे पदाधिकाऱ्यांच्या मार्फत बाळापूरचे तहसीलदार यांच्या मार्फत केंद्रीय गृहमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले. ओवेसी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असून खासदार आहेत. एवढ्या मोठ्या ताकदीच्या व्यक्तीवर हल्ला म्हणजे उत्तर प्रदेश गुंडागर्दीला प्राधान्य आहे. या निषेध पत्र द्वारे आम्ही अशी मागणी करण्यात आली की खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि खासदार इम्तियाज जलील या दोघांना सुद्धा सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी व निंदनायक प्रकार करणाऱ्या देशद्रोही माथेफिरू व्यक्ती यांच्या पाठीमागे कोण आहे शोधून त्यांच्यावर जलद गती न्यायालयात प्रकरण चालवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी MIMच्या वतीने करण्यात आली आहे. यावेळी पारस बाळापूर या परिसरातील MIMचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी साहब पर यूपी में जो हमला हुआ उसके ताल्लुक से आज बालापुर शहर MIM के पूरे कार्यकारिणी और कार्यकर्ताओं ने SD ऑफिस में और पुलिस स्टेशन में और SP साहब को जो है निवेदन दिया कि यूपी में असद साहब पर हुए हमले पर जो जिन लोगों ने हमले किए उन पर कार्रवाई हो और असदुद्दीन ओवेसी राष्ट्रीय अध्यक्ष MIM के इनको Z+ सुरक्षा मिले. और जो यूपी में जो सरकार है जो ऐसे लीडरों के ऊपर जो के संसद है और जो एक राष्ट्रीय नेता है इनके ऊपर हमले हुए को मतलब रोक नहीं सकते या इनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो यूपी के आम आवाम की क्या सुरक्षा करेंगे, ये एक सवाल है. तो इसके ऊपर जो है हमने गृह मंत्री जो है सेंट्रल के इनको एक इनके मार्फत जो है निवेदन दिया इसके ऊपर गौर करें और इनके ऊपर कार्रवाई करें. MCN न्यूज करीता काजी मेहंदी हसन हाथरुन बाड़ापुर.